फ्रेंड्स चलिए 25 मिनट्स हो गए हैं। टोटल टाइमर हमने 30 मिनट्स का लगाया था कुकिंग, बट हम 25 मिनट्स पे ही इसे चेक कर रहे हैं निकाल के। अगर ये कुक हो गई है तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे, अदरवाइज 5 मिनट्स और कुक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चेक करते हैं। फ्रेंड्स ये हमने ब्रेड को बाहर निकाल लिया है, इसे नाइफ से चेक करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये नाइफ हमारा बिल्कुल साफ निकल के आ रहा है, इट मीन्स ये अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे, आफ्टर 10 मिनट्स हम इसे कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ब्रेड को टिन से बाहर निकाल लिया है, कितनी बढ़िया हमारे ब्रेड बनकर तैयार हुई है। अभी ये गर्म है तो फ्रेंड्स इसे ठंडा होने पे मन चाहे आकार में 1 इंच या 1/2 इंच के पीसेस में आप इन्हें कट करें और इन्हें विद टी और कॉफ़ी के साथ सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए फ्रेंड्स माइक्रोवेव ओवन में मल्टीग्रेन ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। तो मल्टीग्रेन ब्रेड बनाने के लिए हमने लिया है हल्का गर्म दूध यानी ल्यूक वार्म दूध 1 कप। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर। इसको अच्छी तरह से इसमें डिजोल्व कर देंगे। और मिक्सचर को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से एक्टिव हो जाए। फ्रेंड्स हमने मल्टीग्रेन ब्रेड बनाने के लिए ये लिए हैं मिक्स ड्राई फ्रूट सीड्स। इसमें आप देख सकते हैं इसमें मेलन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, अलसी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और भी कई तरह के सीड्स इसमें मिक्स हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप बाजार से जो है सीड्स खरीदते हैं अलग अलग तो वो काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं। ये सारे मिक्स सीड्स जो हैं इसी में आ जाते हैं जो मल्टीग्रेन ब्रेड में यूज़ होते हैं। तो आप ये पैकेट आप जो है मंगा सकते हैं, ये वंडरलैंड का है और इसका परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और फ्रेंड्स मल्टीग्रेन ब्रेड बनाने के लिए हमने लिया है मल्टी मिलेट मिक्स फ्लोर, जिसके अंदर है काफ़ी सारे जो है फ्लोर मिक्स हैं। इसके अंदर है ज्वार फ्लोर, नवाना फ्लोर, बाजरा फ्लोर, रागी फ्लोर एंड किनियो फ्लोर। इन्हीं फ्लोर्स को सब जो ब्रेड बनाते हैं अलग अलग मिक्स करके डालते हैं, पर इसमें इक्वल क्वांटिटी में मिक्स है तो हम इसी वाले फ्लोर को लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम ये ले रहे हैं 1/4 कप मिक्स ड्राई फ्रूट सीड्स। इसको हम एक बॉल में ले लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। और इसे मिल्क के साथ मिक्स कर देंगे और इन्हें भी जो है ईस्ट मिक्सर के साथ ही रख देंगे रेस्ट करने के लिए 5 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए। इन्हें भी एक तरफ रख देते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम एक बाउल के अंदर यही जो हमारा मिक्स फ्लोर है इसको हम लेंगे 2 कप्स, ये 1 कप, 1 कप और ऐड करेंगे। टोटल हमने 2 कप फ्लोर लिया है मिक्स फ्लोर। फ्रेंड्स 10 मिनट्स हो गए हैं, चलिए अब हम इसमें अपना यीस्ट मिक्सचर ऐड कर देते हैं और इसका एक स्टिकी डो लगाएंगे। सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स ये जो हमने मिक्स ड्राई फ्रूट्स
सीड्स जो भिगोए थे इनको भी हम इसमें से हाफ जो है इसमें ऐड कर देंगे। इन्हें भी मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स अब हम अपने हैंड यूज़ करते हुए इसे अच्छी तरह से नीड करेंगे, मिक्स करेंगे डो को। फ्रेंड्स अब हमने इसको नीड करने के लिए 1/2 कप मिल्क और लिया है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। फ्रेंड्स ये जो ब्रेड बनती है बहुत ही हेल्दी होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितने तरह के फ्लोर मिक्स हैं और जो हम इसमें सीड्स ऐड कर रहे हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट टाइप के सीड्स इसमें हमने मिक्स किए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम नीड करेंगे। फ्रेंड्स हमने 1/2 कप मिल्क लिया था जिसमें से जो है 1/4 कप ही इसमें यूज़ हुआ है। अब हम अपने हाथों को ऑलिव ऑयल से ग्रीस करके इसको 5 to 7 मिनट्स अच्छी तरह से नीट करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से आप इसे नीट करें बिल्कुल अच्छी तरह से। फ्रेंड्स इसे हमने अच्छी तरह से नीड कर लिया है और हमारा डो लगकर तैयार है। फ्रेंड्स अब हम इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथों को अगेन हम दोबारा से ऑयल से ग्रीस करेंगे और फिर से इसे नीड करेंगे 2 मिनट्स के लिए हम नीड करेंगे। इस तरह से हथेलियों से आप इसे नीट करें इधर से। फ्रेंड्स अब हमारा डो बिल्कुल रेडी है ब्रेड टिन में ब्रेड बनाने के लिए। फ्रेंड्स अब हम ये ब्रेड टिन लेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे अच्छी तरह। ऊपर से किनारों तक से हम जो इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इस डो को थोड़ा सा ओवल शेप में करेंगे, इस तरह से ब्रेड की शेप में करेंगे। ये हमने कर लिया, अब इसको इसमें हम प्लेस कर देंगे और टिन की शेप में हम इसे फैला देंगे इस तरह से। फ्रेंड्स अब हम ब्रेड पे थोड़ा सा मिल्क वॉश करेंगे। आप चाहे तो वाटर भी यूज़ कर सकते हैं।
अब ये जो हमारे मिक्स सीड्स हैं इनको हम इसके ऊपर लगा देंगे, थोड़ा सा प्रेस करते हुए इस तरह से। फ्रेंड्स इन सीड्स के अंदर चिया सीड्स भी मिक्स है जो कि वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये चिया सीड्स हैं। फ्रेंड्स ये हमने सीड्स को इवनली ब्रेड के ऊपर फैला दिया है। फ्रेंड्स अब हम इस जो ब्रेड टिन को जो है 2 घंटे के लिए 2 आवर्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि हमारी जो ये डो है फूल कर डबल साइज़ में हो जाए, यानी कि ऊपर तक जब तक ये डो नहीं आ जाता हमें इसे रखना है। तो ये विद इन वन आवर टू टू आवर्स ये हमारा साइज़ में डबल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वेट करते हैं। फ्रेंड्स 2 आवर्स हो गए हैं और हमारी ब्रेड भी फूल कर साइज़ में डबल हो गई है। चलिए इसे माइक्रोवेव ओवन में कुक करते हैं। माइक्रोवेव स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स इस ब्रेड को हम बनाएंगे कन्वेक्शन मोड पे। कन्वेक्शन मोड क्लिक करेंगे, 190 डिग्री सेलेक्ट करेंगे और टाइमर हम लगाएंगे 35 मिनट्स का। स्टार्ट कलर करके प्लस 30 सेकेंड से इंक्रीज करते हुए फ्रेंड्स ये हमने 35 मिनट्स का टाइमर लगा लिया है। अब हम माइक्रोवेव को 5 मिनट इसी तरह एम्प्टी चलने देंगे। इसके बाद आफ्टर 5 मिनट्स हम इसमें अपनी ब्रेड टिन रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स 5 मिनट वेट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं। अब हम ब्रेड टिन को माइक्रोवेव ओवन में रख देते हैं लो रैक पे। डोर को ओपन करते हैं। फ्रेंड्स चलिए 25 मिनट्स हो गए हैं। टोटल टाइमर हमने 30 मिनट्स का लगाया था कुकिंग, बट हम 25 मिनट्स पे ही इसे चेक कर रहे हैं निकाल के। अगर ये कुक हो गई है तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे, अदरवाइज 5 मिनट्स और कुक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चेक करते हैं। फ्रेंड्स ये हमने ब्रेड को बाहर निकाल लिया है, इसे नाइफ से चेक करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये नाइफ हमारा बिल्कुल साफ निकल के आ रहा है, इट मीन्स ये अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे, आफ्टर 10 मिनट्स हम इसे कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ब्रेड को टिन से बाहर निकाल लिया है। कितनी बढ़िया हमारे ब्रेड बनकर तैयार हुई है, अभी ये गर्म है। तो फ्रेंड्स इसे ठंडा होने पे मन चाहे आकार में 1 इंच या 1/2 इंच के पीसेस में आप इन्हें कट करें और इन्हें विद टी और कॉफ़ी के साथ सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।